अमोनोटेलिक एनिमल्स तो आज हम टोटल तीन देखेंगे अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक तो अगर आप चाहे नीट का पी वाई क्यू हो चाहे पीजीटी पीजीटी का हो आप अगर इन डेप्थ एनालाइज़ करोगे पेपर को तो आपको जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से एक से दो क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में देखने मिलता है ठीक है इसलिए इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और लास्ट मिनट रिविज़न प्ले में आपको ये मिल जाएगा और जो ये प्लेलिस्ट है ये इसीलिए बनाया गया है कि एग्जाम से जस्ट पहले अगर आप पूरा एक क्विकली ऐसे देख लेते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे खासे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे ठीक है तो अमोनोटिलिक एनिमल्स तो ऑर्गेनिज्म जनरली एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट एज सॉलिबल अमोनिया तो नाम में ही अमोनो है अमोनिया इसका प्रोडक्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो अमोनिया द प्रोडक्ट और वेस्ट फॉर्मड इज हाईली टॉक्सिक और रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन तो ये असरशन और रीजन वाले क्वेश्चन में वीवाई क्यू है कि ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था चाहे वो मैच था फॉलोइंग करके हो या फिर वन लाइनर क्वेश्चन वो ये था कि इसके एग्जाम्पल्स मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ क्यूज में से थे ठीक तो मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग प्रोटोसोन्स क्रस्टेशंस प्लेटी हेलमेंथीस नाइडीरियंस इकाइनोडर्म्स फिशेज लार्वा या फिर टैडपोल्स या ऑफ द एम्फीबियंस ये सब के सब अमोनोटेलिक होते हैं यूरियो की बात करें तो नाम में ही यूरियो है यानी यूरिया ठीक तो इनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म जनरली एक्सक्रीट एक्सेस नाइट्रोजन एज यूरिया ठीक है और ये लेस टॉक्सिक होता है और इसको थोड़े कम पानी की जरूरत होती है एक्सक्रीशन के लिए यूरिकोटेलिक तो यहाँ पे यूरियो है यहाँ पर यूरिको है तो नाम में ही यूरिक है तो इसका प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट आइर यूरिक एसिड या फिर इट्स सॉल्ट तो यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक और रिक्वायर्स लेस वाटर ठीक है इन कंपेरिजन टू यूरिया एंड अमोनिया तो ये लाइन हमारे काम की है और ये पी वाई क्यू भी है ठीक इट कैन बी स्टोर्ड इन द सेल्स एंड बॉडी टिश्यूज विदाउट कॉजिंग एनी टॉक्सिक इफेक्ट्स ठीक है एग्जाम्पल देख लो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड तो वो होते हैं कार्टिलेजिनस फिश कुछ बोनी फिशेस अडल्ट एम्फीबियंस ऑल्सो मैमल्स जैसे कि ह्यूमन तो ह्यूमन होते हैं कि नहीं होते हैं ये पीवाई है ठीक यूरिको ये एग्ज़ाम्पल है यूरियो का ये यूरियो के एग्ज़ाम्पल्स हैं तो एक टेबल बना लेना उसके एग्ज़ाम्पल्स के लिए अलग से ठीक यूरिको देखते हैं तो यूरिको में यूरिक एसिड है नाम में ही है और एक ट्रिक ये है कि सी ओ लिखा है यहाँ पे ठीक तो कॉकरोच इसका एग्जाम्पल है ये नीट में पूछा गया था और अगर काफ़ी मतलब बीस तीस साल के पेपर आप देखोगे पीवाई क्यू उसका भी तो आपको कॉकरोच वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा रिपीटेड में मिलेगा तो एक ट्रिक से हमने याद करा कि यूरिको तो मतलब कॉकरोच इसका एग्जाम्पल है ठीक द स्पीशीज चीज़ विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड वेस्ट आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स द एक्सक्रीटा ऑफ यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स आर इनसॉलिबल सॉलिड्स या फिर सेमी सॉलिड या फिर इनको कम पानी की ज़रूरत होती है एग्जाम्पल्स देखिए टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट लीजर्ड स्नेक बर्ड्स ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं तो जैसे आपको बताया एक साइड आप ऐसे लिखना कि अमोनो यूरियो यूरिकोटेलिक एक साइड इसके एग्जाम्पल्स और सारे एग्जाम्पल्स नैमोनिस बना के आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स ही पूछता है सबसे ज्यादा अमोनोटेलिक देख लेते हैं बोनी फिशेस एक्वाटिक एम्फीबियंस एक्वाटिक इंसेक्ट यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया इसका प्रोडक्ट होगा तो मैमल्स टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस मरीन फिशेज यूरिकोटेलिक रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल और इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स अच्छा पहले हमने कर लिया था फिर यहां क्यों कर रहे हैं देखो ये जो अमोरोटेलिक है ये जो यूरियोटेलिक है ये जो यूरिकोटेलिक है इसके जितने एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं ये सब एनसीआरटी के लाइन्स हैं एन सी आर टी के लाइन्स हैं इसलिए इन्हें इग्नोर मत करना एग्जाम कोई भी हो पूछता है जैसे कि आपने देखा होगा जी आई सी में कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीआरटी के लाइन से ही आए थे इसलिए ये भी हमारे काम का ही है एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो प्रोटोनिफ्रीडिया आगे जितना है वो सब एनसीईआरटी का ही लाइन है ठीक तो प्रोटोनिफ्रीडिया फ्लेम सेल्स तो प्लेटी हेलमेंट थीस फ्लैट वार्मी प्लेनेरिया रोटीफर्स कुछ एनलीड्सिफेलोकॉर्डेट्स जिसमें आ जाता है एम्फी ऑक्सिस नेफ्रीडिया जो कि ट्यूबुलर फॉर्म में होता है वो अर्थ का एग्जाम्पल है ये ठीक आगे देखें तो जैसे जो पिकॉक है तो पिकॉक में आ जाता है यूरिक एसिड इसका है और सेलेमांडर इसमें किडनी होती है तो यूरिया इसका है नोट करके लिख लेना कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा तो कॉमन क्या है बिटवीन ह्यूमन एंड अडल्ट फ्रॉग इज़ यूरियो टेलिक या नीट का पीवाई क्यू है दो बार पूछा था और स्टेट लेवल पे तो मल्टीपल टाइम्स पूछा अलग अलग एग्जाम्स में तो ये अंडरलाइन कर लेना ठीक है इंपॉर्टेंट है आगे है कि यूरिया अडल्ट फ्रॉग और ह्यूमन में यूरिक एसिड लीजर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट करके लिखा है इसको आप स्टार मार्क कर लेना जितना चाहो स्टार लगा लो टैडपोल जो होता है उसका जो एक प्रोडक्ट है वो तो अमोनिया है लेकिन जो अडल्ट फ्रॉग होता है उसका यूरिया है ठीक ये मतलब अगर कहीं लिखा हो कि सिर्फ फ्रॉग तो या अडल्ट फ्रॉग तो उसका अमोनिया नहीं होगा ठीक इसलिए ये ये अलग से लिख लेना कन्फ्यूजिंग पॉइंट टेडपोल अमोनिया फ्रॉग यूरिया क्योंकि अगर देखोगे जो मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आते हैं वहां पर ऐसे लिखा रहता है तो कई बार कन्फ्यूजिंग लगता है कि अमोनिया है या फिर यूरिया है ठीक और ये एक ग्राफिक मिल गया था टेडपोल इसका और ये अडल्ट तो यू ही है खैर इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल थैंक्स वॉचिंग लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट है एक्सप्लोर आप कर सकते हो ठीक थैंक यू